नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रेस रिलीज को लेके। ये प्रेस रिलीज ब्रिटिश हाई कमीशन ने कुछ मंथ पहले ही निकाला था, जो कि भारत और यूके के बीच में जेट इंजन को लेकर जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको कोट करता है। और ये प्रेस रिलीज कहीं ना कहीं कन्फर्म कर रहा है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यूके का जो रॉयल्स रॉयस है वो मुख्य दावेदार और फ्रंट रनर है भारत की फिफ्थ जनरेशन फाइटर AMCA के लिए, जो लो बाईपास हाई थ्रस्ट का इंजन बन रहा है टर्बो फैन इंजन। उसके लिए भारत की DRDO GTRE एक कोलैबोरेशन ढूंढ रही थी फॉरेन पार्टनर के रूप में, जहाँ पे हम एयरो इंडिया से आ रहे हैं इस पर जो भी अपडेट थे उस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस बारे में जो मुझे पता चला था वो ये था कि यूके का जो कोऑपरेशन है वो प्राइमरली देखा जा रहा है, जिसको कंफर्म किया था तेज ने। उन्होंने भी वहाँ पे DRDO ऑफिशियल से बात की थी। उसके आउटपुट के रूप में ये आया था कि जो एक रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है, मतलब जो काम है वो ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज ऑलरेडी कंडक्ट कर ली गई हैं, एक साल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो की जानी है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे अगले मंथ यूके के PM बोरिस जॉनसन भारत आ रहे हैं। तो इस मीट के टाइम पे बहुत सारे की मुद्दों पे बात होगी। जो मुख्य मुद्दा हमारे लिए यहाँ पे रहेगा वो जेट इंजन की तकनीक को लेके है। उम्मीद करेंगे कि इस विजिट के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया जाए और इस पे जो काम है वो जल्दी शुरू किया जाए। हालांकि बैकड्रॉप में जो काम है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, मतलब वो काम जो प्रॉब्लम DRDO के हिस्से में होगा, तो उसको लेके जो भी काम है वो DRDO ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। जिन चीज़ों को लेके कोऑपरेशन है वो रोड मैप में तैयार किया गया होगा और उनको लेके जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो यहाँ पे की जाने वाली है। तो ये चीज़ की अपडेट है कि अगले मंथ पॉसिबली जेट इंजन डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेके MOU साइन कर लिया जाएगा। कुछ और भी अदर तकनीक है जिन पे भारत चाह रहा है कि जो कोऑपरेशन है यूके का वो मिले, जो कि मेंशन किया गया है इस ऑफिशियल रिलीज में। तो यूके के जो भी सिस्टम्स हैं उनको लेके एक जो जॉइंट वेंचर है लैंड डोमेन में, वो इन सिस्टम को लेके है, जैसे कि आर्मर फाइटिंग व्हीकल के इंजन, फायर आर्म को लेके जो कोऑपरेशन है वो देखा जा रहा है, हाविजर को लेके जो जॉइंट वेंचर है वो भी यहाँ पे वो पुश करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को लेके जो कोऑपरेशन है वो देखने को मिलेगा, जो माइंड प्लो सिस्टम है उस पर भी जो कोऑपरेशन है वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं लैंड डोमेन में। मैरीटाइम डोमेन में बात करते हो, जो एयर कुशन व्हीकल हैं उन पर कोऑपरेशन होना है, जो नेविगेशन सिस्टम है वॉरशिप के लिए वहाँ पर भी कोऑपरेशन किया जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे सिस्टम यूके के होंगे, प्रॉब्लम जो भारत के सिस्टम है वो अगर यूके को चाहिए होगा तो उसको लेकर जो कोऑपरेशन है भारतीय मैन्युफैक्चरर और यूके के डिफेंस मैन्युफैक्चरर के बीच में ये की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके से जो तकनीक है उसके लिए JV है, यहाँ पे जो JV है वो भारत की तकनीक को लेके भी है जो कि एक्सपोर्ट होने वाले हैं। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जो कोलैबोरेशन है उसके लिए भी जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाया जाएगा। यहीं पे कुछ जो की MOU हैं वो ऑलरेडी साइन किए जाने वाले हैं, MOU डिफेंस ट्रेनिंग को लेके, MOU डिफेंस लॉजिस्टिक को लेके और MOU कुछ क्रिटिकल डिफेंस सेटअप को लेके। ये तीनों ही MOU फाइनल स्टेज में हैं और जल्दी साइन कर लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे लिए जो बड़ा टेक अवे है वो जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेके है, जो कि यूके के साथ होगा। हालांकि जो प्रेस रिलीज है वो थोड़ा पुराना है, जो कि ये क्लियर करता है कि यूके से जेट इंजन को लेके जो कोऑपरेशन है वो एयर इंडिया से पहले ही शुरू कर दिया गया था। सो यहाँ पे प्रीटी मच क्लियर हो चुका है कि DRDO RR के साथ जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की उम्मीद है वो आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, जब 26 अप्रैल को बोरिस जॉनसन यहाँ पे होंगे। इस विजिट के टाइम पे और भी क्षेत्रों में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाने वाले हैं इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेके, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट में ये कुछ हाईलाइट रहेंगे। इसी में हम बात कर लेते हैं एक MOU के बारे में, जो कि लास्ट मंथ साइन किया गया था, जहाँ पे US के जनरल इलेक्ट्रिक ने यानी कि GE ने HAL को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो कि 100 करोड़ का था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत HAL को GE के लिए जो रिंग फोर्जिंग पार्ट हैं वो बनाने थे। आमतौर पर ये पार्ट एयरो इंजन में लगते हैं, तो यहाँ पे GE ने HAL को चुना है इस तरह के पार्ट को बनाने के लिए और इस पे जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जो मटेरियल है वो लास्ट मंथ ही प्रोवाइड कर दिए गए थे, इस पे जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो कहीं की जो कोऑपरेशन है GE और HAL के बीच में, वो आत्मनिर्भर भारत और ओवरऑल जो एक क्वालिटी है ऐसे एयरोस्पेस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में वो आपकी इम्प्रूव करेगी। हालांकि इस तरह के जो इक्विपमेंट है वो HAL काफ़ी समय से बना रही है, तभी ये जो ऑर्डर है GE ने HAL को दिए हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे जो भी रिंग फोर्जिंग मैन्युफैक्चर होंगी वो पूरे वर्ल्ड में जा रहे जो भी इंजन है सिविल जेट इंजन उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। ये सारे जो भी काम है वो HAL के फाउंडिंग एंड फोर्ज डिवीजन में मैन्युफैक्चर होंगे और ज़्यादातर यहाँ पर जो मटेरियल रहने वाले हैं रोलिंग के लिए वो एल्युमिनियम, निकल और टाइटेनियम रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।